दुनिया भर में बोतल बंद पानी पीने का चलन तेजी से बढ़ रहा है। सफर करते वक्त या बाजार में घूमते वक्त आपने भी कभी न कभी प्लास्टिक की बोतल वाला पानी जरूर पिया होगा। बड़ी तादाद में लोग घरों में भी पानी को स्टोर करने के लिए प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ऐसा करना सेहत के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। एक हालिया स्टडी में खुलासा हुआ कि 1 लीटर पानी की बोतल में करीब 2,40,000 नैनो प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं जो हमें अपनी आँखों से दिखाई नहीं देते हैं। यह कण इतने छोटे होते हैं कि इंसान के खून में भी घुस सकते हैं। यह पार्टिकल साइज में माइक्रो प्लास्टिक से भी बहुत छोटे होते हैं। यह हमारे शरीर के सेल्स और ब्लड स्ट्रीम में घुसकर हमारे शरीर के अंगों को बर्बाद कर सकते हैं। इतना ही नहीं, प्लास्टिक के ये कण गर्भ में पल रहे बच्चों के शरीर में भी घुस सकते हैं। इससे गर्भ में पल रहे बच्चे की जान को भी खतरा पैदा हो सकता है। प्लास्टिक के ये कण हमारे बाल की चौड़ाई के 17वें हिस्से से भी छोटे होते हैं। इन्हें आँखों से देखना संभव नहीं होता है। प्लास्टिक प्रदूषण पृथ्वी पर हर जगह मौजूद है, लेकिन बोतल बंद पानी को लेकर वैज्ञानिकों में विशेष रुचि है। इसकी वजह प्लास्टिक के कणों को मानव शरीर में प्रवेश करने की क्षमता है। 2022 के प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि बोतल बंद पानी में माइक्रो प्लास्टिक की कंसंट्रेशन नल के पानी की तुलना में अधिक थी। 2021 की एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई थी कि पानी की प्लास्टिक की बोतल के ढक्कन को खोलने और बंद करने से प्लास्टिक के छोटे टुकड़े पानी में मिल सकते हैं, जिससे सेहत को गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। क्या आपको मालूम है कि पिछले साल यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट कार्यक्रम की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि दुनिया प्लास्टिक प्रदूषण के बोझ तले डूब रही है। हर साल 430 मिलियन टन से ज्यादा प्लास्टिक का उत्पादन होता है।